दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्तों नवीन शर्मा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी से लागू होने वाले देश में नए नियम की। तो कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं देश में, इसका सीधा असर होगा आप पर, आइए जान लेते हैं इस लेटेस्ट अपडेट और अलर्ट न्यूज को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप सभी को। चलते अपडेट की ओर, क्या अपडेट निकल रहा है, कौन कौन से 5 नए नियम लागू हो रहे हैं देश में। दोस्तों 2 दिन बाद यानी कि हम 1 दिन बाद फरवरी है और 2 दिन बाद सारे नियम जो है लागू होने वाले हैं और 1 फरवरी से नियम लागू होंगे, पर 2 दिन बाद यह पूरी तरह जो है पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो 1 फरवरी से कौन कौन से नियम लागू होने वाले हैं उन्हें जान लेते हैं। दोस्तों नई चीजों बदलाव लेकर आने वाला है फरवरी। 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी और साथ ही नए नियम लागू होने वाले हैं देश में, उन्हें थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों 1 फरवरी से जो है आप अपने पसंद के अनुसार टीवी चैनल देख पाएंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नियम अनुसार जो है इसके बाद दर्शक सिर्फ वही चैनल देख पाएंगे जो वो देखना चाहते हैं और जिनका उन्होंने पेमेंट किया है। अमूमन सभी केबल और डीटीएच सेवा प्रदाता चैनल ने अपनी रेड लिस्ट जारी कर दी है। ट्राई के चैनल सिलेक्ट ऐप पर आप अपनी पसंद के चैनलों पर लिस्ट बना सकते हैं और यह ऐप आपकी पसंद के मुताबिक चैनल सुझाएगा। इस ऐप पर आपको अपने चुने हुए चैनलों पर रेट भी दिखाई देगा जिससे आप आसानी से मंथली रेंटल पे पर भी तय कर पाएंगे। आपकी पसंद जानने के लिए ऐप आपसे कुछ सवाल पूछेगा और इसके बाद आपकी पसंद के मुताबिक चैनल में लिस्ट आप बना सकते हैं। तो आप भी ट्राई की जो चैनल सिलेक्ट ऐप है वहां जा सकते हैं, प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने डीटीएच ऑपरेटर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां अपनी पसंद की चैनल बना सकते हैं और अपना पैक बना सकते हैं। यह कहना है पहले नियम का, 1 फरवरी से नियम लागू होगा, जो चैनल आप देखना चाहते हैं वही दिखेगी, बाकी चैनल सब बंद हो जाएंगे। अब आप चुन सकेंगे यानी कि अपनी पसंद की चैनल। दोस्तों आप उनमें उन चैनलों को चुनाव कर सकेंगे जो आप देखना चाहते हैं, उसका प्राइस भी आप देख सकते हैं। साथ ही इस पेज पर ऊपर दिए गए ऑप्टिकल बटन पर सिलेक्ट किए गए चैनलों को आप प्रीडिक्शन भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर टूल आपकी जरूरत के मुताबिक भूखे और अलग अलग चैनल को अच्छा कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश करेगा। पहला नियम आप जान लेते हैं। दूसरे नियम को बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदली अपने नियम। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने बचत खाते में तिमाही आधार पर मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की सीमा को बढ़ा दिया है। इस सीमा में 2 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में बैंक SMS भेजकर अपने ग्राहकों को जानकारी दे रहा है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह नियम 1 फरवरी से लागू होगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों को कितने रुपए रखने होंगे। दोस्तों जानकारी के अनुसार शहरी ग्राहकों को अपने बचत खाते में तिमाही आधार पर 2000 रुपए रखने होंगे। सभी ग्राहकों के लिए सीमा 1000 रुपए थी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सीमा 500 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट कर कहा है कि बड़ौदा एडवांटेज बचत खाते में 1 फरवरी 2019 से मिनिमम बैलेंस सीमा में बदलाव हो जाएगा। 1 फरवरी से आपको जो है मिनिमम 1000 रुपए रखना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको आवश्यकता नहीं है, बाकी शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए रखना पड़ेगा और जो बड़े शहरी क्षेत्रों से है उनको 2000 रुपए मिनिमम बैलेंस बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में रखना होगा। दूसरा नियम दूसरे तीसरे नियम को दोस्तों EBC को 1 फरवरी से मिलेगा 10% आरक्षण की। केंद्र सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में 1 फरवरी 2019 से गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा, यानी कि जो है स्वर्णों का आरक्षण चालू हो रहा है 1 फरवरी से और यह मिलेगा केंद्र सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में EBC में शुरुआत हो रही है। दोस्तों यह आरक्षण एक कंपनी की ओर से की जाने वाली सीधी भर्ती में लागू होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज DPE की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है और इस समय देश में केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की 3039 जो है कंपनियां संचालित हैं, जिनमें मार्च 2018 तक 10.88 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें स्थायी या अस्थायी ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 11.55 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, स्वर्ण आरक्षण लागू हो रहा है 1 फरवरी से। इसका तीसरा नियम जान लेते हैं। चौथे नियम को नियम है दोस्तों सभी विभागों में 15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट DPO की ओर से जो इस आरक्षण को लेकर, और 1 फरवरी से ऑफर और डिस्काउंट मिलने हो जाएंगे बंद। दोस्तों फूड प्रोडक्ट से जुड़ी अमेजन की रिटेल बिजनेस यूनिट ने अपने उत्पाद अमेजन को बेचना बंद कर सकती है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ताजा गाइडलाइंस में अगले महीने तक बदलाव नहीं किया तो अमेजन इस बिजनेस से बाहर निकल जाएगी। तो बता दें कि अमेजन एकलौती विदेशी रिटेलर है जिसने फूड रिटेल सेगमेंट में $50 करोड़ करीब 35 अरब रुपए निवेश का संकल्प लिया है और यह सेगमेंट 2016 के मध्य विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया था। दोस्तों ये बड़ा अपडेट है, यदि यह नियम का पालन नहीं करती तो अमेजन इससे बाहर आ सकती है और फरवरी से जो ऑफर डिस्काउंट मिलने आपके बंद हो सकते हैं। दोस्तों जो बड़े नियम जो 1 फरवरी से लागू होने वाले मुख्यतः 4 नियम जो कि 1 फरवरी को लागू हुए, इसका सीधा असर होगा आप पर।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कुछ सुझाव तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।